अस्सलामुअलैकुम क्रिकेटर्स। तो क्रिकेटर्स, ये मेरी पहली टिप्स वीडियो है टेप बॉल पे, कि टेप बॉल में लॉन्ग सिक्सेस कैसे लगाएं। जैसे तो मून मिर्जा, खुरम चकवाल, फहद मियां चिन्नू, ये सब लगाते हैं, तो इस तरह के छक्के आप भी लगा सकते हैं अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं कि लॉन्ग सिक्स कैसे लगाएं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरी नई वीडियो आए उससे आपको फायदा हो। तो चलो आज कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगा जिससे आप लंबे लंबे छक्के लगा सकते हो। टिप नंबर वन, आपने जब भी बैट पकड़ना है ना, वो आपका वी शेप में होना चाहिए। ऐसे ये जो वी शेप है ना, ये नजर आ रही है, ये ऐसे होना चाहिए, ताकि आप हर साइड पे पूरा फ्लो के साथ बल्ला आपका खुल जाए, ठीक है। टिप नंबर टू, उसके बाद टेप बॉल में जो सबसे मेन चीज है ना, वो ये है कि आपका जो बॉटम हैंड है ना, ये आपका राइट हैंड है नीचे वाला, इसको मजबूत रखना है। ये जब तक मजबूत नहीं होगा, आपसे लंबे छक्के नहीं लगेंगे। ये देखिए, ये अगर मजबूत होगा तो आप इजीली हर साइड पे लंबे छक्के लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी ये आपने ऐसे ये वाला हाथ ये मजबूत पकड़ लिया, ठीक है, तो आप इजीली जिस साइड को चाहो आराम से छक्का लगा सकते हो। टिप नंबर थ्री, इसके बाद जो है वो है आपका हेड जो है ना, वो स्टिल रहना चाहिए। आप ये खड़े हो, आपका हेड ना ऐसे गिरना चाहिए ना ज्यादा ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल आपका हेड ये स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब के बॉलर के पूरा फोकस हुआ आपका। और ये आप खड़े हैं, इजीली जैसे ही बॉल आएगा आपका, आपके बॉल आगे आता है तो सामने फुल आता है, तो फुल शॉट इजीली खेल सकते हो। टिप नंबर फोर, उसके बाद जो आती है टिप, वो आती है कि ये जो ये थ्री स्टंप्स हैं आपके पास, ठीक है, आपने कभी भी अपनी स्टंप्स दिखानी नहीं है बॉलर को। हमेशा टेप बॉल में जितने भी आप प्रोफेशनल प्लेयर देखें, वो अपने स्टंप्स को कवर करके खड़े होते हैं, तो आपने अपने स्टंप्स को कवर करके खड़े होना है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको जो बॉलर है ना, वो बोल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें LBW तो होता नहीं है, जिस चीज का डर हो आपको। उसके बाद ये तीन विकेट्स लगी हुई है ना, कोशिश करें कि आप इन विकेट्स के बिल्कुल करीब खड़े हों। इससे ये होगा कि जो बॉलर की बॉलिंग रेंज है ना, वो ज्यादा लंबी हो जाएगी, विकेट की लेंथ लंबी हो जाएगी। बनिस्बत अगर आप क्रीज के पास खड़े होते हैं ना, तो बॉल ज्यादा आपको तेज लगेगा। तो विकेट के बिल्कुल साथ खड़े होने हैं आपने, और बिल्कुल इजी होके बॉडी को आपने बिल्कुल नॉर्मल ढीला छोड़ देना है, ठीक है। ये नहीं कि ज्यादा बॉडी को अकड़ा के या बॉडी को बिल्कुल ऐसे ढीला छोड़ देना, ये नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाना है, ठीक है आपने, और इजीली आप हर साइड पे छक्के लगा सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की टिप्स टेप बॉल क्रिकेट में। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसकी ड्रिल्स करेंगे और इससे आपको फायदा होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो करते हैं खत्म, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यार, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई वीडियो आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।